जैन साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड हाई कोर्ट की एक न्यूज़ क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है 2 दिनों से, जिसमें ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों ना हम इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से इसका आवेदन प्रक्रिया निकाली जाए। तो इस न्यूज़ के वायरल होने के बाद से काफ़ी जो अभ्यर्थी है वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या नए अभ्यर्थियों को भी अब मौका मिलेगा, इससे एग्ज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसी असमंजस को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में 6 सीट्स टोटल है, लेकिन उसमें अनरिजर्व की 0 सीट है। उसी तरीके से हम बोटनी की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर बोटनी की हम बात करें तो बोटनी में 70 सीट आई है, लेकिन 70 में से एससी को केवल 2 सीट रिजर्व की है। तो इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँचे थे कि इसमें आरक्षण के नियमों की पालना नहीं की गई है। उसके बाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी आई है। तो अगर इस न्यूज़ को हम पर ध्यान से देखते हैं तो इसमें यह है कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है, यानी हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए। ये हाई कोर्ट ने केवल टिप्पणी की है, या आरपीएससी से उन्होंने पूछा है कि क्यों ना हम इसको रद्द कर दें, क्योंकि आपने आरक्षण नियमों की पालना नहीं की गई है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिटीशन जिन्होंने फाइल की थी, तो अभी केवल उनके आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो उनके जो आर्ग्यूमेंट थे उनको कोर्ट ने फेस वैल्यू पर लिया है। अब इसके बाद कोर्ट ने आरपीएससी से पूछा है। अब आरपीएससी जवाब अपना पक्ष अब रखेगी कि उन्होंने किस तरीके से इन जो विभिन्न जो वर्ग है उनके लिए सीटें निर्धारित की है, क्या उन्होंने रोस्टर का पालन किया है या नहीं किया है। तो आरपीएससी का पक्ष इसमें अब रखा जाएगा। और इसके बाद जो भी जजमेंट आएगा ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का जजमेंट होगा, और इसके बाद जो भी पक्ष इससे सहमत नहीं होगा वो डिवीजन बेंच में जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ है, यानी ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक आरपीएससी और स्टूडेंट के अलावा एक तीसरा पक्ष और होता है, वो हाई कोर्ट होता है। वो हर एग्ज़ाम में होता है। तो हर अभ्यर्थी को एक तरीके से हमें मानसिक रूप से प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये जो चीज़ है हाई कोर्ट वाली, ये जब तक ये एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। जैसे पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में हम देखते हैं कि सब सब्जेक्ट्स के जो हैं कैंडिडेट, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तो हाई कोर्ट राजस्थान की हर वैकेंसी का एक पार्ट है, तो हमें इस चीज़ को फेस करने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा होता है और उससे पहले हाई कोर्ट में केस चल रहा होगा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी अनिश्चितताएं राजस्थान के हर एग्ज़ाम में बनी रहती है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आरपीएससी के पास ये अभ्यर्थना असिस्टेंट प्रोफेसर की 6 महीने पड़ी थी। जनवरी में आरपीएससी के पास अभ्यर्थना आ गई थी और जून में नोटिफिकेशन आया था। तो 6 महीने का समय इसीलिए लगता है कि आरपीएससी सारे पहलुओं की वहाँ जो है टेस्ट करती है, जिसे टेक्निकल टेस्ट भी बोलते हैं, कि आयु सीमा में जिन वर्गों को छूट दी गई है क्या उसमें जो सही नियम है उनका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, क्या सीटों का वर्गीकरण रोस्टर के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है। तो ऐसे में संभावनाएं कम बनती है कि जो आरपीएससी से कोई गलती हुई है, हो सकता है कुछ गलती हुई भी हो, लेकिन संभावना उसकी कम है। तो इसमें हालांकि होता ऐसा है कि जो रिजर्व सीटों का जो वर्गीकरण किया जाता है आरक्षण का, जो आरक्षण के अनुसार वो जो उस कैडर की टोटल स्ट्रेंथ के अनुसार किया जाता है, ना कि जो इंडिविजुअल भर्ती में जो पदारे हैं उनके अनुसार किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो आरक्षण जो लगता है वो जो कैडर की टोटल स्ट्रेंथ के अनुसार लगता है, और उसी आधार पर शायद आरपीएससी ने सीटों का वर्गीकरण किया है। लेकिन अगर आरपीएससी ने रोस्टर का पालन नहीं किया गया है और इसमें कुछ गलतियाँ आरपीएससी ने छोड़ी है, तो कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा आरपीएससी को मानना पड़ेगा। अगर कोर्ट कहता है कि आपकी गलती है, तो आरपीएससी उस केस में फॉर्म रीओपन ना करके जो कोरिजेंडम एक निकालेगी जिसमें रिवाइज्ड बाईफर्कसन ऑफ पोस्ट आएगा। ऐसा पहले भी एग्जाम्स में हुआ है कि एग्जाम में फॉर्म रीओपन ना होकर के जो सीटों का वर्गीकरण होता है उसको रिवाइज कर दिया जाता है, और वापस उसमें जो भी गलतियाँ होती है उन्हें सुधार ली जाती है। तो इस वजह से जो फॉर्म के रीओपन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भर्ती पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, जो कोचिंग वाले जो हैं, वो जरूर ये कह रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होगा। उनका कहने का पीछे उनका एक लॉजिक, उनका एक सबसे बड़ा रीज़न फैक्टर ये है कि अगर उनके ऐसा कहने से कि फॉर्म रीओपन होंगे, उनके पास अगर 500 स्टूडेंट्स भी ज़्यादा उनके टेस्ट सीरीज में या अपने बैच में एनरोल हो जाते हैं, तो उनके लिए वो लाखों का फ़ायदा हो जाता है। तो उनका ऐसा बोलने से अगर उनके पास 500 स्टूडेंट भी पहुँच रहे हैं, तो इसलिए उनको बोलने में फ़ायदा है, तो वो बोल रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होगा। लेकिन फॉर्म रीओपन होने की पॉसिबिलिटी इस रीजन से बहुत कम है। अगर आरपीएससी ने इसमें गलतियां छोड़ी है और कहीं ना कहीं जो आरक्षित वर्ग है उनके साथ धोखा हुआ है,
तो आरपीएससी उस केस में कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो पोस्ट है उनका रिवाइज बाइफर्केशन निकाल देगी और उसे संशोधित करके भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो हम जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमें अपनी तैयारी से डेविएट नहीं होना है और अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि किसी न किसी कारण से कोई ना कोई पक्ष कोर्ट में जाता रहेगा और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होकर के लक्ष्य पर फोकस करना है। थैंक यू।